अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिटचैट विद निशा खान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे हर शो में एक डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद होती है, वैसे आज भी जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका इंट्रो मैं इस तरह करवाना चाहती हूं। ही इज़ बेसिकली कोटोग्राफर एंड फोटोग्राफर भी बोल सकते हैं उनको। इसके अलावा मीडिया में अच्छा काम किया हुआ है और अभी रिसेंटली दुबई से उन्होंने आइफा किया है, पूरा कवरेज करके आए वहाँ से। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बॉलीवुड के स्टार से जो मिलकर आए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी मतलब आउट ऑफ कंट्रीज जाकर अवार्ड शोज़ किए हैं और पाकिस्तान में भी काफ़ी अवार्ड शोज़ किए हुए हैं। लेकिन एक कोटोग्राफर या फोटोग्राफर जो हमारे पिक्चर्स हमारी ले रहे होते हैं और हमें हसीन बनाकर दिखा रहे होते हैं, तो वो टेक्निक इनको कैसे आती है, किस तरह इन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया होता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ओएस असलम। हाय ओएस, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मैं ठीक। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी तारीफ आपने कर दी है, मुझे तो लगता है अब शायद बोलना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, बात करूं? बेसिकली देखो, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप मेरे शो पर आए, और इसके अलावा यार जिंदगी में इंसान वही अच्छा है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचे। बेशक ऐसा ही है, ठीक है ना? आजकल तो लोग नहीं सोचते हैं। अखलाक आपको अच्छा रखना चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। दूसरे के लिए आप अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए खुद ही खुद अच्छा हो जाता है। अच्छा, ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। बिल्कुल। ओवेस थोड़ा सा नर्वस है बिकॉज ओवेस का फर्स्ट एक्सपीरियंस है शो का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आधी से हो जाएंगे जा के शोज में, क्योंकि ओवेस कभी भी किसी शो पे पहले नहीं गए। इन्विटेशन उसको आती होंगी ऑब्वियसली, तो मैंने इनको जब बोला तो इन्होंने बोला यार मैंने मुझे आती है इनविटेशंस बट मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके कहने पे आऊंगा आपके शो पे। तो मैंने इसीलिए इनको बोला कि सबसे पहला थैंक यू सो मच। अच्छा ओएस, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने बोला कि मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ, इसके अलावा और भी चीजें कर रहा होता हूँ, अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो पहले तो तुम। देखिए, इंट्रोडक्शन आपने तो अच्छी दे दी है, उसके बाद मैं क्या दूं। बेसिकली मैं जस्ट फोटोग्राफर हूँ, मेरी एक अपनी टीम होती है और मैं फोटोग्राफी करता हूँ। ओके। पाकिस्तान में तो जैसी बात है, ये मेरा होम बेस्ड है और मैं यहाँ पर यहाँ का हूँ, तो मुझे तो वही बात है, सरजमीन और यहीं से काम स्टार्ट लिया। ओके। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स मिले जो कि मैं बॉलीवुड जाके काम करके आ चुका, तो बहुत एफर्ट्स होती हैं और सब बड़ों की दुआएं हैं और सबकी मोहब्बत है। अगर मैं यहीं पर अपने अच्छे स्किल्स नहीं दिखाता, चाहे वो मेरा फोटोग्राफी में हो या मेरी टीम के हवाले से काम हो, तो मुझे कभी भी इनवाइट या कभी भी मुझे ना बुलाया जाता। ओके। तो मेरे हिसाब से जो मैंने वर्क किया फिर बॉलीवुड में किया, तो उसकी भी एक अच्छी रीच आती रही, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहा। तो इस तरह मैंने 2018 में भी आईफा अवार्ड्स कवर करके आया था। अच्छा, तो अभी अभी कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर वैसे आए हुए? मुझे फील्ड में आए हुए कोई 9-10 साल तो हो गए ऑलमोस्ट। फिर इसमें आपकी एफर्ट्स इतनी होती है कि वो टाइम ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। Okay. कुछ मॉडल्स आपकी तरह होती हैं, फिर एक्टर्स होती हैं, फिर आपकी तरह हर मतलब डिफरेंट फेसेस होते हैं, फिर यहाँ के सेलिब्रिटीज में जो आप काम करना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको हाइप मिलती है। अच्छा। फिर वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही कहूंगा मैं। फिर इसी तरह मुझे इस बार भी इनवाइट आया जो कि आफ्टर कोविड, वो तो हम तुमसे जानेंगे, लेकिन अच्छा, पहले तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो शुरू से शौक था फोटोग्राफी या फोटोग्राफी करने का? मुझे फोटोग्राफी करने का शौक तो बहुत पहले से था। मेरे पास एक कोई आप हंसेंगे सोनी एरिक्सन का छोटा सा फोन हुआ करता था। अच्छा। उसको साइबर शॉट कहा करते थे। ओके। उस जमाने का वो आईफोन 13 प्रो मैक्स था। एग्जैक्टली। तो वो बड़ी मुश्किल से लिया था, उसके बाद उसको लेके कभी 70 रुपए पिक्चर ले रहे हैं, कभी कोई किसी चीज की एक मतलब आर्ट पिक्चर से कहेंगे ना। तुम्हें एक शुरू से एक बंदे को शौक होता है ना कि डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, कैप्चर करते हैं और उसको निकाल के चीजें उसको देख रहे होते हैं, तो तुम्हारे अंदर ये कीड़ा मतलब कीड़ा कहते हैं ना, वो शुरू से कीड़े की पिक्चर ले लिया बचपन से था। तो वो पिक्चर लेता था, फिर अपनी पिक्चर लेने लगा, फिर ऐसे फ्रेंड्स मिलते थे तो उनकी पिक्चर ले ली। उस जमाने में सेल्फी भी ऐसा होती थी कि फोन आज तो सेल्फी कैमरा यूं घुमा के पिक्चर ला के लिया करते थे। तो मैं हूँ भी, हाइट मेरी काफी थी, सब मुझे कहते थे कि यार पिक्चर्स, तो वो ना एक अंदर से एक आता था कि यार पिक्चर मैं अच्छी ले रहा हूँ, मेरी सब तारीफें कर रहे हैं, सब बटर कर रहे हैं। ओके। तो करते 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 फिर एक क्रेज आ गया अंदर। ओके। देन उसके बाद
फिर एक शो था कोई, वहाँ पे आपने अपने स्किल्स दिखाने हैं, तो मैं वही मोबाइल लेकर साइबर शॉट बिन कासिम पार्क है उसके अंदर जाके हमने उसके एक फ़ोटो वॉक हुई थी, तो मैंने वहाँ पर उसको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके दी, तो वो मेरी पिक्चर चली, हमने एक पेज बना लिया। फिर अच्छा ओके वो बाद में जाके मैं अकेला ही हो गया, अकेले ही काम करना शुरू किया, फिर मैंने अपने ब्रांड बना लिया, अपना नाम बना लिया। तो ओके बस लाइक बहुत लंबी स्टोरी है, और आप जब एफर्ट्स करते हैं अल्लाह पाक फिर आपको रास्ता खुद ही बना देते हैं। एग्जैक्टली ये तो मेहनत नेचुरल है। इंसान के हाथ में, और देने ज़्यादा अल्लाह पाक की है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए बस। एग्जैक्टली तो ओके तो फैमिली बैकग्राउंड से कोई था या फिर सिर्फ तुम ही हो? देखिए फैमिली बैकग्राउंड से आज भी सपोर्ट है, हमेशा है, लेकिन कोई था नहीं इस तरीके नहीं का नहीं 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 मीडिया कोई भी नहीं था, कोई के भी नहीं था। अंदर या फिर ऐसी मेरे चीजें? वाले साहब दुबई में थे, मेरे एल्डर ब्रदर बैंकर हैं, तो जब मैं इस फील्ड में आ रहा था तो मेरे लाइक मेरी मॉम कहती थी कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ओहो अच्छा तुम मत करो, तुम नहीं ओके कर पाओगे, ये वो फजूल है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई जॉब अच्छी कर ओके लो, भाई को देखो वहाँ कहाँ सेट है। तो मेरे से इतनी एज भी नहीं थी, ओके 9-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग कुछ ना करें, मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा फिर खुद वो ही जॉब मैंने स्टार्ट की, 2-3 महीने जॉब की थोड़ी सी खुद ही अमाउंट जमा सरवाइव की। किया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वाले साहब भी दे सकते थे, मेरे भाई भी, लेकिन वो जिसने खुद से किया ना तो उसका ही मज़ा ही अलग है। एग्जैक्टली अपने पैरों पे उसको कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खुद ही अपने बल पे किया है भाई तो किसी आज भी का। मेरी अम्मी इस बात को ना कहती हैं कि कुछ भी है, मतलब कि कोई पूछता है आपका बच्चा इतना माशाल्लाह ऊपर तक चले गया, कभी गुरूर नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर गए बस, तो वो कभी अम्मी के सामने अक्सर लोग पूछ लेते हैं, तो अम्मी बड़ा बोलती है हमने तो भाई की कोई हेल्प नहीं की दुआओं के अलावा। तो वाकई ओके माँ और बाप की दुआई थी, जो तुमने तो इतना सक्सेस भाई की पाया। सपोर्ट थी, बट कि भाई तुमने जो करना है करो, मैं बाखर में देख लूंगा, कोई मसला नहीं है, कर लिया तुम्हें क्या बस। फील हुआ जब शोबिस की दुनिया में कदम रखा? डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज मिलती होंगी रोज, बहुत और तुम्हें पता है हर बंदा किसी पागल सेलिब्रिटी को देख के टोटली फॉरन ही पागल हो जाता हो है। जाता था, मैं भी हो जाता था। ऑब्वियसली एक चेहरा आप अगर उसको टीवी पे देख रहे हो और वो आपके सामने खड़ा हो मतलब जाए यकीन नहीं आ रहा था कि कि डोंट ट्रस्ट यार, इट। मतलब मैं इधर खड़ा हूँ बेसिकली, जैसे मैं आज आईफा का करा मिसाल दे रहा हूँ, कि मैं आज आईफा का करा हूँ, तो मेरे लिए वो सलमान खान मेरे लिए सेलिब्रिटी, मतलब थोड़ा शौक तो जाता हूँ 2018 में तो खास तौर पे, अभी तो फिर भी नॉर्मलाइज था। तो उस वक्त मेरा ऐसी चिंता, मैं ऐसे लाइक बॉलीवुड, मतलब मेरे सामने ये सेलिब्रिटी खड़ी हैं या वो सेलिब्रिटी खड़ा है, बिलीव नहीं होता बिलीव नहीं होता था। फिर डे होगा। बाय डे, डे बाय डे जब वो आप स्टेज चढ़ते ना, जिसको कहते हैं स्टेज चढ़ना, तो पिक्चर जब मैं ले रहा होता था तो कोई मुझे थ्रो कराता था यार सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी अट्रैक्ट करता था। फिर आप इतने, आपकी तमीज़ होनी चाहिए बात करने की, पिक्चर्स क्लिक करना मैटर नहीं करता, आपका ओके एक आर्ट वर्क मैटर करता है। एग्जैक्टली पिक्चर तो पिक्चर्स मैं तो कोई भी ले लेता, हम भी ले लेते हैं इजली, बट सब लेते हैं, डिपेंड करता है उसके आर्ट ऊपर वर्क वर्क करना पूरा। बेसिकली, आर्ट वर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा पिक्चर्स को वो करें कि बंदा आगे बोले कि वाला यार बस बूढ़े से जवान नजर आ जाए बस ना ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो तो वो आर्ट तुमने किसी से सीखा या अपने दिमाग से नहीं बनाया? सीखा तो खैर नहीं है, दिमाग से भी नहीं बनाया, क्यों मैं झूठ बोलूं, बट ये था कि जब आप वर्क करते हैं ना तो आपके अंदर क्रेज कितना है कि आप कितना उसको सीखना चाहते हैं। तो ओके ना मेरे कोई सर थे, ना मैंने किसी से सीखा। हाँ मैंने बहुत लोगों को सिखाया, और मेरी टीम के कुछ मेरे फ्रेंड्स या मेरे लड़के या मेरे लाइक ब्रदर्स, तो वो आज ही बड़ी इज्जत करते हैं इसीलिए कि आपने बड़े अच्छे स्किल्स दिए हैं। ओके तो बस वो पता ही ना चला कि कितना स्पीड से सब हो गया। तो पहले तो तुमने पाकिस्तान से, तुम्हारा कहना है मैंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त ये नहीं लगा कि यार मुश्किल होगी या फिर कर लूंगा? मुश्किल तो अभी भी लगता है, मुश्किल तो पहले भी लगता था, मुश्किल मैं कहता हूँ मुश्किल को आसान नहीं समझे आप कभी भी, हर टाइम पे मेहनत तो आपको हमेशा करनी है। एग्जैक्टली स्ट्रगल हर मेहनत टाइम से पे। तो आप जिस दिन बोल दो ना कि हाँ भाई मेरी मेहनत हो गई मैं ठीक हूँ, तो समझ लो आप नहीं कर सकते उसके बाद, एफर्ट्स तो ओके लाजमी है, हर टाइम पे एफर्ट्स एग्जैक्टली तो लाजमी है। तो ओके बस ये तो हाँ तुम किस एज में आए इंडस्ट्री में? आज मैं 27 का हूँ, बस समझ लें 9 साल पहले, 10 साल पहले ऑलमोस्ट तुम्हें मैं आ चुका था। बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं चाहता था कि कभी कोई मेरा इंटरव्यू हो या कोई ऐसा स्टेज हो कि मैं ये बता सकूं, चलें आज बता देते हैं। वो 2011 में उसका इंतकाल हो गया था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ताबिश नाम था। आज भी मेरी गाड़ी आप देखेंगे उसको फ्रेंड भी ताबिश लिखा हुआ है, मैं जब भी अच्छा गाड़ी लूंगा उसका नाम लिखा होगा। ओके तो उसको बहुत शौक था पिक्चर्स खिंचवाने का, खींचने का, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ड्रीम मेरे हाथ में रख के चले गया। अच्छा तो एक होता है ना कि आप एफर्ट्स इतनी नहीं की इतनी मुझे अल्लाह ने नवाज दी, बस वो मैं कहता हूँ जब भी मेरे कोई मुझे पूछता तो मैं कहता हूँ यार उसी का ख्वाब दिया शायद हुआ पूरा है। कर पा रहा हूँ। तो वो अच्छा मेरा लाइक ब्रदर, बहुत अच्छा दोस्त, अब वो नहीं है,
अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बाकी इसके अलावा तो बॉलीवुड में आपने जैसे बताया कि मैंने 2018 में भी आईफा किया, अभी भी रिसेंटली करके आए, तो फर्स्ट टाइम जब इनविटेशन आई है वहां से, तो किस तरह इनविटेशन तुम्हें मिली, किसी के थ्रू मिली, अप्लाई किया, कैसे वहां इंटर होने के लिए कोशिश की? देखिए थ्रू थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते या कुछ इस तरह, ये कुछ अंदर की चीजें, आपके लिंक्स होते हैं। Exactly, जब आप होती हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं कि यार लाइक मैं भी कुछ सेलिब्रिटीज के साथ काम करता रहा हूँ, तो वो उन तक वो सोचते हैं हम कैसे मिल सकें, तो मैं नहीं बताऊंगा ना या यूं चले जाओ, तो वो आपकी एफर्ट्स हैं, ठीक है आप एफर्ट करके आप भी पहुंचो। यहाँ हसद का बड़ा मसला। ओ माय गॉड, अब तुमने उठा ही दिया है जेलेसी की बात, उठा दिए तो इस पे हम बात करेंगे। जेलेसी एक पाकिस्तान में ज्यादा है थी, बिल्कुल ऐसा ही है, उनके साथ करता रहा, तो फिर जब वो आपको पाकिस्तान में इतनी, मैं खैर बड़ी बोलना बोलूं लेकिन थोड़ी सी हाइप मुझे मिल गई, मैंने कभी फील नहीं किया। लोग कहते हैं यार तुम इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हो, ये है वो है, तो और सबसे बड़ी बात ये होती है काम करना मैटर नहीं करता, काम आप अपने नेम से कर रहे हैं, अपने नाम से कर रहे हैं, आप किसी के अंडर नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप जब सेलिब्रिटी का काम करते हो, सेलिब्रिटी जो आपकी कर्टिसी देती है और आपको आपके नेम से जानती है और आपको अपने नेम से आपकी बाय नंबर आपको बुलाती है, तो वो बहुत बड़ा एक, जब 2018 में आईफा में एक कदम रखा तो खुद मैं बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि यार इस प्लेटफॉर्म तक मैं पहुंच गया हूं। यकीन तो खैर अभी भी नहीं आता जो बात सच है, क्योंकि जब आप ख्वाब होता है ना आपका, देखिए किसका ख्वाब नहीं है। एग्जैक्टली, मुंह पे आपके हर बंदा कहेगा अरे नहीं बॉलीवुड कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बंदे का दिल जरूर करता है और जा भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा पैसा लगा के वहाँ पहुंच गए थे, कि हमें वहाँ होटल में भी रुक गए थे कि किसी तरह हम सेलिब्रिटी से मिलने, बट वो नहीं कर सके, चांस नहीं मिल सका, क्योंकि पे करके हर चीज नहीं ले सकते आप, आपकी एफर्ट्स आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, एफर्ट्स बहुत बड़ा वर्ड है, एफर्ट्स के ऊपर ही डेफिनेशन बन सकती है। मैं तो बोलूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं जिंदगी में कि आप पैसा लगा के उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो जब मैं जाने की, तो बहुत दूर की बात, जब मुझे लग रहा था कि इनवाइट मुझे आ रहा है, तो वो जब इनवाइट आ गया, तो जब वो इनवाइट मेरे पास ईमेल पे था, तो आई वॉज शॉक्ड कि मैं यकीन नहीं आ रहा। मैं रमजान का महीना था, रोजा खुल गया, अपने घर वाले चिल्लाए लगे, बता रहा हूँ घर वाले, बोले रिलैक्स भाई कुछ और होगा कुछ, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे बॉलीवुड से इन्वाइट है, भाई मेरा नाम लिखा है, मैं चिल्ला जा रहा हूँ, मेरा वॉल्यूम इतना हो गया, घर वाले बोले रोजा खुल ले रिलैक्स हो जा। तो वो ये टाइम ऐसा था कि एक्साइटमेंट का भी लेवल बहुत यार, आई कांट बिलीव दिस। ऑब्वियसली अगर कोई आपको बड़ी प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप तो क्रेज हो, भी बॉलीवुड पे जाके पिक्चर्स बनाना, सेलिब्रिटीज से मिलना, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद देन फिर वो यकीन नहीं आया, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो वाकई लगा कि हाँ भाई कुछ आया, वाकई उनकी प्रोफेशनल, उनकी ऑफिशियल ईमेल से, मतलब उनके नेम से, उनकी जो पीआर एजेंसी है सब प्रॉपर मेरे नेम से हर चीज मुझे, वो एकोमोडेशन वगैरह जो भी होता है सब चीजें प्रोवाइड की गई, तो मुझे फिर यकीन आया कि हाँ भाई। फिर उन्होंने हमें बताया कि आपका कार्ड आपको इस दिन मिल जाएगा, तो आप ट्रेवल करें, फिर सब चीज़ें उन्होंने दी। फिर जब मैं गया, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे तब भी कहीं ना कहीं गोलमटोल लग रहा था, होता ना दिमाग किसी किसी का ना दिमाग थोड़ा होता है, मेरा दिमाग हेल्प करेगा। मैंने कहा मैं दुनिया को बताऊँ क्यों, मैं जाता हूँ, मैं चले गया। जाके वहाँ जब कार्ड हाथ में आया, तो लिटरली फिर मुझे यकीन आया कि हाँ मैं अब यहाँ पहुँच गया हूँ। पाकिस्तान के लिए तो वहाँ इंटर हुए 2018 में, तो क्या फील आया फिर जब पिक्चर्स ली, फिर सेलिब्रिटीज से मिले, क्या लगा उस टाइम फिर? मतलब यकीन करें कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास अभी भी अल्फाज नहीं है। कैमरा था हाथ में और एक्साइटमेंट का लेवल इतना अब था कि मैं शायद समझ नहीं पा रहा था कि मैं इधर हूं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि एक बॉलीवुड के एक्ट्रेस से मिलना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, अगर कोई मिल जाए तो बंदा पागल हो जाता है, सामने से खड़े होगा हुआ देख के बंदे को हो जाती है। और आपने तो पिक्चर्स ली और ऑलरेडी उसके बाद बातचीत की, तो मुझे लगता है कि यार माशाल्लाह बहुत, इसको कहते ही सक्सेस है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ऑलवेज ब्रेक की कॉल आ गई है, तो जी नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान, और मेरे साथ मौजूद हैं ओवेज ओवेज बेसिकली कोटोग्राफर फोटोग्राफर, और इसके अलावा भी हमारी बॉलीवुड पे बात चल रही थी। तो अच्छा ओवेज, अब हम ये बात पूछेंगे कि आपने बताया मैंने 2018 में भी आईफा किया, देन मैंने अभी रिसेंटली भी किया, तो आपको पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज में और वहाँ की इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंट लेवल नज़र आया, काम के हवाले से, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से, या फिर वॉट एवर, लेकिन सबसे पहले ये बताओ काम के हवाले से तुम्हें क्या डिफरेंस नज़र आया पाकिस्तानी और बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज में? देखें, मैं पाकिस्तानी हूँ तो ऑफकोर्स पाकिस्तानी की तारीफ भी करूँगा और मैं इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। हमारी ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना, इनको थोड़ी प्रोफेशनलिज्म थोड़े कम है क्योंकि बस वही बात है, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो उनका इंडस्ट्री जो है वो बहुत अप लेवल पे जा चुकी है। उनके पास इक्विपमेंट से लेकर सेलिब्रिटी से लेकर किस किस चीज़ की बात करें, उनका लेवल बहुत अप है। ठीक है, अब इस तरह बातें होंगी तो इंशाल्लाह आपको और भी चीज़ें शेयर करूंगा। वहाँ पर ना कंफर्ट बहुत देते हैं और शायद मुझे इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, मैं पहले पाकिस्तान की कर रहा हूँ, उसके बाद में उनकी इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, उन मुझे ऐसा लगता है या लगता नहीं ऐसा ही होगा, जब उनके पास चलता ना मैं पाकिस्तान से, मैं बताता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो एक ना मेहमान नवाजी देते हैं शायद। देखें, सियासत की वजह से बहुत इश्यूज हैं मैं मानता हूँ, और इस बारे में तो मेरी इतनी ऐसियत नहीं कि मैं बात कर सकूँ, लेकिन उनको जब ये पता चलता है कि आप पाकिस्तान से, तो वो बहुत हमें मेहमान नवाजी देते हैं, मतलब कि हर चीज़ में मतलब वो कॉपरेट करते हैं मेरे साथ, मतलब हर, उन्होंने हमें कहा होता है, ईमेल पे लिखा होता है कि हम आपको सिर्फ फोटोग्राफी अलाउ करेंगे, बट ये उनकी मेहमान नवाजी है कि वो हम मुझे पास तक दे रहे थे शो देखने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो मुझे नहीं इज्जत दे रहे, वो मेरे पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं क्यों बोलूं कि नहीं भाई मुझे दे रहे हैं इज्जत, मैं उनके लिए, मैं उनके लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन इस चीज पे अप्रिशिएशन तो उनकी बनती है कि वो हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम भी जा रहे तो हम भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं दे रहे, और मैं भी ऐसी कोई हरकत नहीं करता, या मैं भी कोई ऐसा एक अनप्रोफेशनल एक पर्सन कोई चीज ऐसी नहीं करके छोड़ के आता कि मेरा पाकिस्तान का नाम डूबे। ठीक है, आप जब पाकिस्तान के लिए जा रहे हो तो उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पर जाके आपने अगर कोई भी इशू कर दिया तो आप ब्लैक लिस्टेड ही कहलाएंगे कि आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, तो उस पर क्या होगा कि मेरे पाकिस्तान की उस पर हल्का सा वो आ जाएगा कि यार ये तो वो पाकिस्तान बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे मसले कर लूँ वो ठीक है, लेकिन वहाँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक एक टाइम मेरा बोल ऐसे नहीं चाहिए कि कोई इशू ना हो। Exactly, तो इंडस्ट्री की बात आ गई कि उनकी थोड़ी सी प्रोफेशनल है। ओके, हमारी जैसे मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, ग्रीन कारपेट हमारा होता है, ग्रीन कारपेट कारपेट छोड़ें, कारपेट जो होता है अवार्ड शो का, उसके पे सेलिब्रिटी जब आते हैं ना तो हमारे पास रैग नहीं है यहाँ पर। हम लोग क्या होता है कि जिसका दिल करे घुस जाता है, बाउंसर्स की लिमिट होती है, वो कितना बचा लेंगे सेलिब्रिटी को, तो काम करते हम लोग बहुत परेशान होते हैं फोटोग्राफर और ऑफिशियल फोटोग्राफर ज्यादातर पेड वर्कर्स जो होते हैं, क्योंकि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी को बड़ा इशू होता है कि आपने हमें वर्क सही नहीं दिया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां पर ये इशू नहीं है, वहां पर प्रॉपर सेलिब्रिटी आता है, एक रैक होता है, रैक वैसे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वैसे उसे क्रॉस नहीं कर सकते, बट उन्होंने चीज ऐसी लगाई होती है कि आप उसको भी नहीं क्रॉस कर सकते, तो ये यहाँ भी करना चाहिए। अच्छा, ओके, अब ये यहाँ बताएंगे तो आप बोलेंगे कि आप बड़े अबू बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये बड़े मसले हैं। मैंने एग्जैक्टली, मैं जब वहां पे था ना तो अब सबको खुश होती है, मैंने तो कैमरे लगाए हुए थे, मैं उस रैक के बाहर खड़ा के मैंने पिक्चर ली, बूथ बना था, ग्रीन कारपेट था, फिर रैक था, मैंने रैक के खड़ो के मैंने पिक्चर ली, तो मैंने जब वो पिक्चर लगाई खुशी में अपने, तो एक यहाँ के ब्लॉगर ने बड़े अच्छे हमारे भाई इरफान साहब, उन्होंने मेरे वॉल पे कमेंट किया कि यार ये चीज़ आके ना पाकिस्तान में जरूर बताना। अब मुझे पता है मैं किस मुंह से बताऊँ उनको, वो कहेंगे एक दफा गया नहीं, दो दफा गया नहीं, बस के पेशेंट ही शुरू हो गया। एग्जैक्टली, ये नहीं देख रहे कि यार बता सही रहा है, बता परफेक्ट रहा है, हमारे फील्ड के लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको सेलिब्रिटीज में क्या डिफरेंस नजर आया वहाँ का? तो चलो बॉलीवुड का तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान भी, पाकिस्तानीज भी काफी फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियंस भी हमें फॉलो कर रहे होते हैं ड्रामास के हवाले से, क्योंकि हमारे ड्रामास काफी वहाँ चल रहे होते हैं, इंडिया में देखे जा रहे होते हैं, लेकिन फिल्म के मामले में हम थोड़ा सा डाउनवर्ड है क्योंकि हमारी फिल्में कोई इतनी खास अभी नहीं बन रही होती। बिल्कुल, हाँ ये वाली बात है, लेकिन बॉलीवुड
बॉलीवुड है Bollywood. उनकी बात अलग है, हमारे पाकिस्तान में भी अगर कोई बॉलीवुड से काम करके आ जाए तो उसकी रेपुटेशन और प्रोफाइल हाई लेवल हो जाती है, सही है। तो फोटोग्राफर की भी उसी तरह बात होती है और कोटोग्राफर की भी उसी तरह बात होती है। अब इन्होंने अगर वहाँ काम किया है तो वैस वहाँ काम करने के बाद यहाँ की इंडस्ट्री में आपको क्या रिस्पॉन्ड मिला, कुछ खास ज्यादा मिला? जब मैं 18 में करके आया था ना तो बहुत रिस्पॉन्स मिला था मुझे, लेकिन अभी जो करके रहा हूँ अभी मैं ऐसा कहीं गया नहीं, मुझे भी थोड़ा सा रिसेंट अभी टाइम होता है मैं शोज में गया नहीं हूँ, उसमें बिजी हो गए कामों में। लेकिन लोगों ने मेरी पिक्चर्स को मेरी चीज़ों को जितना उन्होंने मुझे हाइप दिया, मेरे ब्लॉगर्स मेरे नहीं सॉरी मेरे फ्रेंड्स, या मेरे फ्रेंड्स नहीं है मुझे पेज पर मेरे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं फुटेज लेने के लिए, मैंने कुछ पाकिस्तान के लिए मैसेजेस भी लिए थे, तो ये उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है मेरे लिए। और ऑफकोर्स अब चैनल्स वगैरह पर इसलिए नहीं चल सकती चीज़ें, थोड़ा सा सियासी इश्यूज होते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा शो करने के बाद मुझे और अच्छी हाई मिलनी चाहिए जो नहीं मिल सकती। जो आपको पाकिस्तान में हमारे यही है, और ये बात हकीकत है कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ना डाउनवर्ड कर देते हैं ना, कर देते हैं टोटली फॉरेन कर देते हैं अगर कोई हाई लेवल पे जा रहा हो तो। कुछ इश्यूज हैं हमारी इंडस्ट्री में है, एक नहीं कर सकते, बहुत इश्यूज हैं। और फोटोग्राफर के साथ नहीं, अगर वहां से भी अगर यहाँ आप काम करके सेलिब्रिटी भी आ रहा है ना तो उसके साथ बहुत सारी चीजें इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं काम के हवाले से। तो इसके अलावा सेलिब्रिटीज में तुम्हें किसका अच्छा रिस्पॉन्ड मिला बॉलीवुड से? सच्ची बताऊं मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं सबसे मिलता रहा, लेकिन देखें अब मैं ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान अलग से दिख रहा है, या शायद बोलने के लैंग्वेज बोलने से पता चल सकता है, लैंग्वेज से पता चल सकता है, आपके बॉडी लेवल से तो पता नहीं चलेगा आप पाकिस्तानी हो, झंडा तो पकड़ा हुआ नहीं है exactly. लेकिन आपके दिल में पाकिस्तान का नाम है तो आपको इस तरह बात करनी है कि किसी सेलिब्रिटी को प्रॉब्लम ना हो exactly. आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आपके पास इतना एक्सेस है कि आप सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी कोई हरकत कराएं कि आपको भी बुरा लगे और दूसरों को भी बुरा लगे। तो उस दौरान ये होता था कि पिक्चर्स लेता था तो वो अट्रैक्ट करते थे, फिर हम सेल्फी लेने का मौका मिल जाता था। एटीट्यूड नजर आया कुछ? एटीट्यूड नहीं है कुछ भी, लेकिन बस सलमान भाई जब आए थे, सलमान खान हम भाई भाई इसलिए बोलते हैं, वहां भी सीख लिया था। सलमान जब आए, सलमान खान जब आए थे तो उस वक्त थोड़ा ना हमने बचपन में सुना है सलमान भाई थोड़ा डेंजर बन गए, तो थोड़ा आपने ना छेड़ना नहीं है कुछ बोलना नहीं है, तो वो अंदर से डर था सबके साथ, यही था जितने भी थे वहां। मैंने देखा जब वो आए ना तो उनके एक तो बहुत बड़े बाउंसर्स की टीम होती है, अच्छा तो लाइक मेरे एक फुट दूर थे, मैं चाह सकता था उनसे बात कर, लेकिन ना हिम्मत नहीं आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यार वो माइंड कर जाए, हर बंदे का अपना माइंड है exactly. लेकिन उन्होंने वो हमारे पिक्चर्स तो मैंने लिए, मैं क्यों झूठ बोलूं, पिक्चर्स के लिए मेरे सामने आए रुके, मैंने उनको सलमान भाई पिक्चर्स ली, बाकी इसके अलावा जितने भी सेलिब्रिटीज थे उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। और लिटरली मैं फिर वही बात करूंगा, कोई बटरिंग नहीं कर रहा, जब जब मैंने बताया ना पाकिस्तान से आया हूँ तो बड़ी इज्जत, सुनील शेट्टी साहब इतने पुराने एक्टर हैं, वो सारी हम वीडियोस दिखाएंगे भी वो इसके, इन्होंने वहां से मैसेजेस वगैरह भी लिए हैं वो हम स्क्रीन पे शो करेंगे, क्या बोले तो वो हां तो वो सुनील शेट्टी साहब गुजर रहे थे पीछे पीछे ले चुका था। अब मैंने सोचा यार मैं पाकिस्तान, अच्छा आपके पास ना ऑप्शन होता है अपने लिए भी मैसेज ले सकते हो कि आगे इतना एक्सेस, आपके पास इतना बड़ा कार्ड है आईफा का तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा मेरे नाम से वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने नाम से क्यों लूं, मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्यों ले लूं, मैं उनके पाकिस्तान के फैंस के लिए क्यों ना ले लूं, ग्रेट मेरे फैंस ही उनके फैंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, बट लेकिन ओएस की ये थिंकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसने सोचा कि नहीं मैं अपने लिए शॉर्ट आउट नहीं लूं लेकिन अपने वतन के लिए शॉर्ट आउट लूं, वो शॉर्ट आउट मैं चलवाऊंगी भी, जिन्होंने उस शॉर्ट आउट में नेहा कक्कर से लिया है और भी सेलिब्रिटीज से लिया है जो मैं स्क्रीन पे चलाऊंगी, तो तुमने सेल्फी लेगी खुश हो गई, लेकिन हो जाता था, लेकिन मैं वही बात बता रहा था कि सुनील शेट्टी साहब गुजरने लगे तो मैं सर मैं पाकिस्तान से हूँ, वो लिटरली कसम से मेरे पास आए कह रहे हैं तू पाकिस्तानी, मुझे तेरी लैंग्वेज से बता रही हूँ पाकिस्तानी है, हाँ ऐसा है मतलब मजाक ये बोला, हाँ भाई मैंने कहा पाकिस्तान की फैंस के लिए वो मैसेज दे रहे हैं, वो मैंने वीडियो में भी है बोलते हुए ना ओके okay. तो उन्होंने मुझे पहले वो थोड़ा ना रुके, उन्होंने हाथ पर जोड़े मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, ये जो उनका एक मैसेज था उन्होंने दिया, और सच अ नाइस पर्सन, बहुत एटीट्यूड के बाद कुछ भी नहीं, मैं क्यों शॉर्ट आउट दूं आपके, वो भी वतन के लिए या मुल्क के लिए, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को देख लिया जाए तो मैं बुराई नहीं करूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, मैंने अब तक जो देखा है, हम लोग अगर किसी सेट पे भी काम कर रहे होते हैं तो वो जूनियर आर्टिस्ट को इस तरह इस नजरिए से देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं एक अजीब ही चीज हो, हालांकि सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वहां की इंडस्ट्री में आपने ये चीज देखी होगी
वैसे अगर आप इतनी दफा गए हो कि आपको जब इतनी इज्जत दी जा रही है, ऐसा ही है। तो वहाँ के लोगों को कितनी इज्जत देते होंगे वो अपने इंडस्ट्री के? बात तो है, मैं चलिए तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफर अपनी फील्ड के हवाले से बात कर लेता हूँ। फोटोग्राफर्स मेरे बराबर में इंडिया का फोटोग्राफर था, सॉरी मैं बॉलीवुड बोल सकता हूँ, बॉलीवुड के फोटोग्राफर मेरे साथ थे, बॉलीवुड के तमिल होते हैं वो मेरे साथ थे। ओके, लिटरली मैंने उनको ही बताया मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, मैं सच बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट दिया। वैसी बात है, आपने पांच पांच छह छह सात सात घंटे एक जगह पे खड़े रहना है, जब तक आप दोस्ती नहीं करोगे तो आप क्या वो बोत ही पढ़ते रहोगे आईफा आईफा आईफा। आपने बातें करनी है, हंसी मजाक करनी, टाइम को एक्सपेंड करना है, लिंक्स स्ट्रॉन्ग करने, अपनी पीआर बनानी है वहां नेक्स्ट टाइम। इस तरह वो लोग बहुत अच्छे थे। अच्छा, ओके। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि मैं मतलब मुझे तो उस वक्त लिटरली नहीं पता था, लोगों ने मुझसे शेयर किया तो मुझे बाद में यकीन आया। टी सीरीज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बॉलीवुड का म्यूजिक इंडस्ट्री से, कि टी सीरीज की तारीफ यार बोलना तो मुझे पड़ेगा भी नहीं, वो लेवल है। तो उस दौरान उनकी जो ओनर हैं उनकी मैंने कोई पिक्चर विचर्स ली और उनसे थोड़ी मेरी अट्रैक्शन हुई, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि इतनी इज्जत दी कि मैं आपको शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे पास उसकी भी फुटेजेस हैं, मेरे आप प्रोफाइल भी जाके देख सकते हैं। तो आप जब बात करो ना, वहाँ कैमरे इतने लगे होते हैं आपको पता ही नहीं होता कौन सी फुटेज कहाँ से बन रही है। तो उसमें से एक फुटेज आई कि वो वेरी नेक्स्ट डे, जब चार दिन शो चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और शोज, तो फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे में उनसे मिला ना, तो उन्होंने लिटरली मुझे हाई हेलो किया लेकिन मैं किसी और चीज़ देख रहा था। तो मेरे फ्रेंड से दिखाया, मैंने कहा नहीं दिस इज फेक, ये रियल नहीं है। तो बाद में जब मैंने 10 बार देखा तो मुझे लगा कि वाकई मुझे कर रही थी, फिर मैंने तो ये भी फेक है, ठीक है, वो भी इसको ये भी इसको शॉक हो रहा है, ये भी इसको यकीन नहीं हो रहा है। वो मुझे वहां की वो कुछ बॉलीवुड की फोटोग्राफर से कह रहा है, बॉस तेरे लाइफ सेट हो गया, तेरा लाइफ सेट हो गया। मैंने कहा भाई, मैंने कह रहा तुझे लिफ्ट करा रही, मैंने कहा भाई क्या लिफ्ट करा रही यार। मैं ये बात कहती हूं कि अगर ये इतना रिस्पेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, मैं तो कहती हूं यार यू आर लकी। मेरी लाइक भी की उन्होंने आके, उन्होंने मेरी पिक्चर्स लगाई भी हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट पे। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे लोग गए हुए थे, नबीलास को भी काफी, मैं नबीलास इज वेरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज के मेकअप भी किए हैं, तो मैंने उनकी भी वीडियोस देखी, उनको भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया गया और मैं इस बात को बड़ा अच्छा फील होता है कि अपने मुल्क के लोग, अपनी इंडस्ट्री के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके अपना काम दिखाते हैं और मनवाते हैं अपने आप को, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं, वैसे तो अक्सर मैंने सुना है बाहर कंट्रीज में ब्लैक लिस्टेड समझा जाता है यहाँ के लोगों को और हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब माशाल्लाह हम लोग भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं है, हमारी पाकिस्तानी फिल्में भी अब बनना स्टार्ट हो गई है, अच्छी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड था कि जब आज से पहले हमारी पाकिस्तानी फिल्में बॉलीवुड फॉलो करता था ना, आई थिंक ऐसा ही था, लेकिन कुछ बीच में हाँ सिंगर्स भी हमारे अभी भी गा रहे होते हैं, हमारे आतिफ असलम हो गए और भी बहुत सारे हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान से जाके बॉलीवुड में गा रहे होते हैं। तो हमारा पाकिस्तान भी बहुत बड़ा, हमारी इंडस्ट्री के लेवल है उसका नाम है, बट कुछ चीजें हर इश्यूज क्रिएट होते हैं, हर इंडस्ट्री में इश्यूज होते हैं, वहां के भी होते होंगे यहाँ के भी होते हैं, लेकिन वहां का जो लेवल है और जो पैशन है वो थोड़ा बड़ा है पाकिस्तान से, ये सब बात सब जानते हैं। खैर एनीवे, इतनी कन्वर्सेशन हमारी हो गई है, ओवेस से हम ये जानेंगे कि क्या हॉबीज हैं ओवेस के अलावा। हॉबीज पूछ रही है, सॉरी मैं, हॉबीज क्या करना पसंद करते हो फ्री टाइम में? ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, खाना पीना? ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा के, और दोस्तों में घूमना, मतलब एक लाइफ को एंजॉय करना। मैं कहता हूँ कि यही टाइम है, फिर शादी हो जाती है बंदे की। अच्छा अच्छा, यू आर सिंगल? अभी तो सिंगल स्टिल, बट इंशाल्लाह शादी बहुत जल्दी है करनी है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ही है। तो मैं कहता हूँ कि ये टाइम होता है बंदा इसको एंजॉय करे, घूमे फिरे, और कोई मेरी फैमिली से या मेरी फियांसी से कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो उनकी बहुत सपोर्ट थी इस बार आईफा के मेरे करने पे। तो मैं वहां से काम कर रहा था तो यहाँ से फुटेज वो कर रही होती थी, तो ये भी एक बड़ा, टाइम टू टाइम काम करना बहुत मैटर करता है। देखे ना, मैं दो कैमरे लगाया हूँ, उसके बाद में पिक्चर्स भी ले रहा हूँ, फिर जो मेरा खुद का शौक है सेल्फीज, वो तो ऑफकोर्स आप जाओ तो नहीं लो अच्छी बात नहीं है, वो भी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कहीं कहीं मैसेजेस का मौका मिल रहा है, वो वीडियो मैसेज ले रहा हूँ, उसके बाद फिर अपलोडिंग करनी है, फिर वहीं के वहीं मैं अपने कैमरे से फोन पे ट्रांसफर करके पिक्चर मैं उनको अपनी फियांसी को भेजे जा रहा हूँ, वो वहां से अपलोड करे जा रही है, ताकि उससे थोड़ा ना, बट यहाँ पर
पता नहीं लोगों में क्यों वो है कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सही से यहाँ खुश नहीं हो मैंने रहे हैं, आपको अभी भी यही बोला कि पता नहीं यहाँ क्यों प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया नहीं कर जाता रहे। किसी भी सेलिब्रिटी को या कोटोग्राफर को या फोटोग्राफर को, बिकॉज यहाँ हर बंदा जो है वो अपने ही काम में सही लगा हुआ होता है। और हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी गंदी चीज़ है, वो कटअप वाला जो सीन है ना, जी जी बिल्कुल है, ये थोड़ा ऐसा ही सा मैं है, कहती हूँ कम करना चाहिए बिल्कुल ऐसा कि ही है। हर जगह कंपटीशन है। अगर फोटोग्राफर फोटोग्राफर में तो उनमें जेलेसी है, सेलिब्रिटी है तो उसमें जेलेसी है, और अगर फिल्म फिल्म लाइन में आप हैं तो उसमें जेलेसी है। तो ये बिल्कुल ऐसा बड़ा ही है। जेलेसी वाला जो फैक्टर है ना, ये हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा है। तो ऐसा ऑलवेज ही है। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो जी नाज़िन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़िन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान, और मेरे साथ मौजूद हैं वो इज ओवेज बेसिकली कोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने आईफा किया था, इसके अलावा भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी इनको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, और इनके एक्सपीरियंस पे हम बात कर रहे थे, बात चली थी हमारी बॉलीवुड आईफा के ऊपर। तो अच्छा जी ओवेज, आपने इतनी पिक्चर्स ली, कोटोग्राफर्स किया, तो कौन सी सेलिब्रिटी ने आपको फॉलो किया, आपकी पिक्चर्स को लाइक किया और आपको अप्रिशिएट किया बॉलीवुड के हवाले से आप पूछ रही हैं तो मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे बॉलीवुड के? हाँ फॉलो किया किया बेसिकली फॉलो तो देखिए आराम से नहीं करते, रोज तो वहाँ मैं हूँ नहीं, बट ये उनकी अच्छी बात ज़रूर है कि जब मैं पिक्चर्स लगा रहा था और स्टोरीज लगा रहा था तो अब मैं उसमें कोई नाम बता सकता हूँ, नरगिस फकरी सर हैं, उन्होंने मेरी ओह स्टोरीज देखी, ग्रेट, मतलब मुझे यकीन नहीं एकदम आया, आई कांट बिलीव दिस मैंने कि स्क्रीनशॉट ले नरगिस लिया। फैक्ट्री इज वेरी फेमस पर्सनालिटी यस एंड वो इनकी स्टोरी देख रही है दैन। तो वो स्टोरीज देख रही है, फिर आईफा का अपना ऑफिशियल अकाउंट जो होता है, पेज होता है, वो देख रहा है, और भी ऐसे बहुत सारी नॉर्मल सेलिब्रिटीज और अच्छी सेलिब्रिटीज जो भी हम गए, तो वो अच्छा नॉर्मल हम उस सेलिब्रिटी को उसको बोलेंगे जिसको हम नहीं जानते हैं, वहां पर वो बड़ी हैं, अब कुछ सेलिब्रिटीज अच्छा यहाँ बड़े हैं वो वहां नहीं जानते, इस तरह यहाँ बड़े हैं, लेकिन वो इस तरह के लोग स्टोरी देख रहे हैं, उन्होंने कुछ फॉलो भी किया है, उन्होंने क्रेडिटसी भी डाली है। कोई बड़ा नाम, देखिए टाइगर नरगिस फकरी ने जो स्टोरी देख ली, कितना बड़ा नाम नाम बताया मैंने आपको, टाइगर श्रॉफ जो है जैकी श्रॉफ जो की जो वाइफ हैं वो आप शायद देख चुकी होंगी, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया या आई था, सी आई सी। मुझे लिटरली बहुत देर तक यकीन नहीं आया कि उन्होंने मेरी वॉल पर आके मेरी पिक्चर जो टाइगर श्रॉफ के साथ थी उस पर मेरे कमेंट किया, कुछ चार पांच दिल बना के उन्होंने कमेंट किया, तो ओके मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरे दोस्तों को भेजा, मैंने कहा यार, तो मैंने एक्साइटेड हो जाता हूँ बहुत, तो वो अच्छा मेहनत होती है इंसान की, तो उसको कहते हैं वो रंग ले आया, तो ओके इस तरह ये सब था। और एक दो नाम और ही बहुत सारे हैं, जाहिर बात है वीडियो है सामने कैमरा तो याद नहीं आ रहे नाम जलील, तो बहुत बड़े बड़े वो हैं, रोटेला एक है कोई नाम, हाँ, उर्वशी उर्वशी हाँ ऐसे रोशी कुछ है। रोटेला भाई क्या नाम था, आई डोंट नो, भूल गया, हाँ मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, वो बहुत तो गोल्डन वीजा भी है यूएई का और बहुत बड़ा वहाँ का इंडिया हाँ बॉलीवुड का नेम है उसका, तो उन्होंने मेरी पिक्चर भी आके लाइक की, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार करोड़ों लोगों ने पिक्चर लगाई, करोड़ों लोगों ने स्टोरीज लगाई, जो भी है यार वो कर रही हैं, अगर तो मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है, लोग इसका मजाक एग्जैक्टली बनाए कुछ भाई, भी करें मेरी मजाक बहुत क्यों बड़ी बात है बनाएंगे यार, अच्छों वाली बहुत बड़ी बात कर बात दी है। तुमने। मजाक तो उनका बनाया जाता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ ना किया हो, आपने बेशक तो वो काम कर दिया। लोग तरसते हैं भाई, सेलिब्रिटी आपकी स्टोरी देख ऐसा रहे ही हैं, है, वो भी बॉलीवुड के। ऐसा ही है, और पाकिस्तान का कोई छोटा मोटा भी देख ले तो लोग पागल हो जाते हैं ऐसा ही वैसे ही, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है तो टी आप। सीरीज की ओनर ने भी लाइक किया, मतलब मैं ऐसे पता नहीं कितने जो दिखता गया मैं वो डालता गया, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे याद नहीं आ जो रही, इन्होंने सीन नहीं किया, खैर हाँ एनी वैसे वे, ही तो पता। जब वहां से पाकिस्तान आए तो जी पाकिस्तान में कोई ऐसा काम मिला पड़ा उसके बाद, देखिए जब 18 किया, अप्रिशिएट किया जी पाकिस्तानी बिल्कुल इंडस्ट्री ने? जब मैं 18 करके आया था 2018 वाला, तो उसके बाद कोविड से पहले की बात करना, कोविड में तो कोई, हाँ आई तो नो, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली मुझे पाकिस्तान में लोगों ने, अच्छा इसमें ये होता है कि जो मेरा मैं वेडिंग फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ, फैशन भी कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर रहा हूँ, तो जितने भी काम करते हो ना हर बंदा ये बोल के काम देता है यार आपने बॉलीवुड किया, यार आप तो उससे मिलो, आप तो उससे मिलो, तो एग्जैक्टली मुझे ये बड़ी इज्जत दी मेरा, मेरे चाहने वालों ने, मेरे जो पाकिस्तान के लोग हैं जिसमें मैं भी हूँ, बहुत इज्जत देते हैं कि यार इस पे आप मुझे काम बहुत मिला, तो फिर मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छा समझा और मैं उन सबका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि भाई अगर इन लोगों का इतना प्यार हो, मेरे माँ बाप की दुआ ना हो, तो शायद मैं दोबारा कभी जा ना सकता था, एग्जैक्टली जो अब हुआ उसका एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो दोबारा किसी इंटरव्यू में दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे आए हुए चंद दिन हुए तो भी मैं इतना किसी फिलहाल गया नहीं हूँ, कोई
तो जैसे ही कोई इंशाल्लाह काम या कोई, मुझे भरोसा है, मुझे अपने लोगों पे, अल्लाह पे सबसे पहले भरोसा है। एग्जैक्टली अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है उसके बाद अपने लोगों पर है, मुझे पता है कि इससे बहुत फायदा तो पहुंचेगा मुझे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? पाकिस्तानी इंडस्ट्री का तो मेरा काम तो तुमने एक्सपीरियंस, काफी किया ना, यहाँ के सेलिब्रिटीज मैंने के साथ भी तो किया हुआ है, किसके साथ नहीं किया होगा शायद, मैं बहुत मतलब बड़े बड़े नाम यहाँ भी खिलाए जाते हैं, नीलम मुनीर हो गई, आयशा उमर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह फला आयशा के साथ फला नहीं किया। फला, सबके साथ ही इनका काम चल रहा होता है बेसिकली, क्योंकि इन्होंने काम ही एक अच्छे लेवल से स्टार्ट किया था। सेलिब्रिटी को अट्रैक्ट कर लेता हूँ फोटोग्राफी से अपने, अच्छा, इतनी सेलिब्रिटी है, जैसे आयशा उमर का नाम लिया, मैंने नहीं काम किया, मैं क्यों करूँ, इतनी सेलिब्रिटीज है ना उनमें, इतने से तो मैं काम, इतने से ज्यादा से काम किया ओके, मैंने सजल के साथ, एक टाइम तक काम किया, मतलब पूरे टाइम नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि वो बहुत एक अच्छी खातून है, उन्होंने बड़ी मुझे एक रिस्पेक्ट दी। अच्छा, उनको मेरी फोटोग्राफी बहुत क्लासी लगती थी और वो लगाती थी, अभी थोड़ा गैप आया। नीलम मुनीर की पिक्चर्स पे मैंने बहुत वर्क किया, नीलम मुनीर ने मुझे बहुत अपनी फोटोग्राफी मुझसे करवाई है, और कर्टिसी देना उन्होंने मुझे बहुत एक टाइम बड़ा अच्छा दिया, और इस तरह और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ये दो तीन नाम मेरे मुंह पे आए सामने तो मैंने क्लियरली बता ओके दिए। ओके ओके। तो मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में क्या कहते हो, अगर कोई इंसान काम करने आता है या करना चाहता है जैसे तुम कर रहे हो, तुमने तो चलो बता दिया मुझे 10 साल हो गए, लेकिन कोई अगर नया बंदा आता है या काम करना शुरुआत चाहता है? इंसान ना बोलो, हैं? जरूर कोई भी शख्स, ठीक है, ओके। ठीक है, रॉलिंग श्योर। अच्छा, वैसे कोई भी शख्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पाकिस्तान इंडस्ट्री में आना चाहता है, काम करना चाहता है, जैसे तुम कह रहे हो, तुमने तो बोला मुझे 10 साल हो गए लेकिन स्ट्रगल काफी किया, ऐसे आके नहीं बैठा, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अगर किसी की पर्ची हो या किसी का बैकग्राउंड हो तो वो इजी आ सकता है इस तरह? देखें, इस पे दो तीन कैटेगरीज हैं, मैं तो फोटोग्राफी पे हूँ तो मुझे तो इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, वो प्लेटफॉर्म तो शायद आपको वही लोग अच्छे से बता सकते हैं। फोटोग्राफी पे मैं कहता हूँ आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें, जितनी भी पर्ची लगा लें, आपके पास आर्ट नहीं आएगा। मैं ओके, कहता हूँ मेरे पास अगर कोई 1,000 का इक्विपमेंट होगा तो उनके पास कोई 10,000 रुपये का भी इक्विपमेंट होगा, इस ये मैटर नहीं करता, नॉट अ बिग डील। बट आप आगे इस तरह जाते हैं कि आपके हाथ में अल्लाह ने कितनी स्किल्स दी हैं और आप उसको कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्किल्स सबसे बड़ी मैटर करते हैं। स्किल्स कभी कभी ना देखें, हर वर्क में ना अप एंड डाउन आता है, जैसे कोविड बहुत बड़ा अप एंड डाउन लेके जा चुका था, एग्जैक्टली, तो एक टाइम था बिल्कुल फ्री हो गए थे, हमारी फील्ड भी ऐसी है कि चमकती धमकती, जब तक सब चीजें चमक रही हैं तब तक काम है, जब धमक नहीं है काम वो चढ़ते सूरज को जो तो है सब वो सलाम कर रहे होते हैं, वही वाली तो मिसाल उसके है। बाद जब वो वक्त आया कोविड का, और कभी आपके वर्क में भी अप एंड डाउन आते हैं, एग्जैक्टली, उस दौरान कभी कभी ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग की बात भी रही कि यार आप ना मेरी फैमिली से भी कि कुछ और देख लो, अगर नहीं तो मैं कहता था कि मैं छोड़ दूंगा तो मैं फिर पीछे जाऊंगा, मैंने हार नहीं माननी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्किल्स टूट गए ना जिस दिन तो खत्म हो जाएगा। फिर मुझे अपने बड़े समझाते थे, मेरे फ्रेंड्स या जो भी वॉट एवर, कहते थे कि आपके पास इस आपके इक्विपमेंट नहीं हो ना, मान लेंगे स्किल्स आपके कोई नहीं ले सकता आपसे, तो मैं वही बात जरूर बताऊंगा कि इसमें कोई पर्ची नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मैंने भी तो जीरो से अच्छा, शुरू किया था। जीरो से स्टार्ट किया था? बिल्कुल ओके, अब अर्निंग होती हाँ माशाल्लाह, अब हर चीज अपने पैसों से, अब तो खुद सारी मेरे चीजें खत्म अम्मी हो अब्बू जाती। इस चीज से बड़े खुश होते हैं, मॉम डैड, कि हर चीज मैंने खुद बनाई, मैं यहाँ तक कि अब कोई चीज पहनता हूँ, ओढ़ता हूँ, गाड़ी हो कुछ भी वॉट एवर, तो मेरी फैमिली इस चीज को लेकर बहुत खुश है कि आपने खुद से किया, सर्वाइव कर लिया और एक इसी प्लेटफॉर्म से तक किया। पहुंच गए और सक्सेस, 40-10 साल ऑलमोस्ट एक टाइम पीरियड होता है फील्ड को दे दिया, और उसके अलावा फिर माशाल्लाह अभी मजीद इन फ्यूचर आप, अल्लाह ताला आपको और जी कामयाबी इंशाल्लाह। दे, आप आगे जाएं तो। और एक चीज मैं सॉरी डाउन नहीं कोई करूंगा, बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ के भी शोज मैंने इतने कवर किए हैं, अवार्ड्स हो या कुछ भी वॉट एवर, इनका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है यहाँ की अच्छा, मतलब मैं क्यों उस वक्त वहाँ की बात चल रही थी तो मैं खुद भी याद आया, यहाँ के भी लोगों ने बहुत इज्जत दी है, पीआर एजेंसीज हो, चैनल्स हो, या शोज के इनवाइट आए या हम करने जाए, पहले तो खुद घुसते थे किसी तरह के, बुला लिया जाए बुला लिया जाए बुला लिया जाए, तो अब थोड़े कभी कभी पेड वर्क या थोड़ा सा ऑफिशियली वर्क भी मिल जाते हैं। जितने भी शोज कवर किए हैं वहाँ भी बहुत इज्जत मिली है, मैं इस चीज़ को कोई बटर नहीं समझे, मैं इस बात को सच्चे दिल से बता रहा हूँ, यहाँ के लोग ही बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ ओके। चीज़ों को बताया, उसके अलावा इंडस्ट्री वो हमारी बहुत हर अच्छी जगह है, होता है, अच्छे बुरे बहुत लोग अच्छे हर लोग जगह हैं, हैं, और सेलिब्रिटीज यही बहुत बात अच्छे हैं। मैंने की कि पाकिस्तान भी एक हाई लेवल पे अब पहुंच चुका है, और शुरू से फिल्म इंडस्ट्री से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम रह चुका है, जो हमारे पहले के फिल्म स्टार थे और जो
पहले हमारी फिल्में बनती थी, बस वो वाली बात अभी नहीं है, अगर वो हो जाए तो क्या ही बात है। बस अभी ये हो गया कि हमारे ड्रामा आर्टिस्ट जो है वही फिल्म में नजर आ रहे होते हो, तो उस वजह से काफी लोगों ने फिल्म नहीं देखते और पसंद नहीं करते हमारी पाकिस्तानी फिल्में, क्योंकि एक ही चेहरा हम दोबारा उसी फिल्म पे देखें। हम लोग भी तो हम लोग भी उस चीज को नहीं करते, हम कहते हैं यार, मैं अभी भी ये कहती हूँ कि अगर लोग देख रहे हैं बुरा लगता है तो लगता रहे, आई हैव नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए चेहरे को भी हमारे काम देना चाहिए, टैलेंट है तो उसको आगे दिखाया जाए और लाया जाए, यही सबसे बड़ी अहम चीज होगी, और उसके बाद ही हमारी फिल्म लाइन जो है ना वो आगे से आगे जाएगी। थैंक यू सो मच अवेस, आपने टाइम निकाला और शो पे आए। कोई मैसेज देना चाहेंगे तो? बस कुछ नहीं, बस बस ठीक है, आपने बुलाया ये बहुत थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे ओएस, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।